नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बनारस या वाराणसी में। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर है जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। हिंदू धर्म के लिए 7 पवित्र शहरों में से एक वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान इस जगह पर आकर बहुत ही हल्का महसूस करता है और यहाँ के तीर्थ स्थलों की सैर करने के बाद खुद को धन्य महसूस करता है। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह धार्मिक स्थल केवल भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों द्वारा भी काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं वाराणसी कैसे पहुंचा जाए? अगर आप हवाई जहाज से वाराणसी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से वाराणसी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। वाराणसी शहर में खुद का हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं तो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल और भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप इस पर्यटक शहर का भ्रमण करने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। अगर आप बाय रोड वाराणसी के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें इस शहर के लिए आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बस आसानी से मिल जाएगी। अगर आप वाराणसी की यात्रा के लिए आए हैं और यहाँ खाने की अच्छी जगह और बनारस में खाने की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस शहर के क्षेत्र के लोकप्रिय व्यंजनों में दम आलू बाटी, आलू टिक्की, कचौरी, पानी पूरी, जलेबी, राबड़ी और बनारसी के कंद जैसी मिठाइयाँ भी मशहूर हैं। बता दें कि अगर आप पान खाने के शौकीन हैं, तो बनारस के मशहूर पान का स्वाद भी चख सकते हैं। वाराणसी में मिलने वाले पेय पदार्थों में यहाँ की मशहूर ठंडाई सबसे खास है, जिसमें भांग भी मिलाई जाती है। इसके अलावा रोज के खाने से कुछ अलग स्वाद लेना चाहते हैं तो बनारस के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं वाराणसी घूमने की जगहों के बारे में। शुरुआत करते हैं 80 घाट से। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी स्थित 80 घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। इस घाट की आरती का आकर्षक नज़ारा वाराणसी शहर को देश की सबसे खूबसूरत जगह बनता है। अगली जगह है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने दशा अश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। अगली जगह है तुलसी मानसा मंदिर। तुलसी मानसा मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। अगली जगह है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 3000 भक्त आते हैं लेकिन विशेष मौकों पर यह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इस वजह से भी बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि यह हिंदुओं के कई पवित्र ग्रंथों में उल्लेख करता है। अगली जगह है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई थी। अगली जगह है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। अगली जगह है रामनगर किला और संग्रहालय। रामनगर किला और संग्रहालय तुलसी घाट के सामने स्थित एक ढहता हुआ खंडहर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला करके करवाया था। भले ही राजाओं की प्रणाली को इस जगह पर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में महाराजा पीलू भीरू सिंह इस किले में रहते हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। अगली जगह है चुनार का किला। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जो वाराणसी शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चुनार किले का सबसे पहला इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जिसका मुगल बादशाह बाबर की चौकी से पता चलता है। उनके कुछ सैनिकों की कब्रें आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि यह किला दिव्य रूप से धन्य है। अगली जगह है सारनाथ मंदिर। वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहां अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी थाई मंदिर और मठ शामिल हैं। अगली जगह है आलमगीर मस्जिद। 17वीं शताब्दी निर्मित आलमगीर मस्जिद वाराणसी में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मस्जिद के रूप में खड़ी यह संरचना औरंगजेब द्वारा पंचगंगा घाट पर हावी लुभावनी विधियों का प्रमाण है। बता दें कि गैर मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगली जगह है गोडोवालिया मार्केट। शॉपिंग जंक्शन गोडोवालिया मार्केट यहां का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाजार है, जो वाराणसी में घूमी जाने वाली जगहों में शामिल है। अगर आप वाराणसी के इस मार्केट में जाते हैं तो आप यहां पर दैनिक जरूरत के सामान से लेकर कांच की चूड़ियां और ट्रिंकेट भी खरीद सकते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि वाराणसी जाने के लिए अच्छा समय कौन सा है, तो बता दें कि अगर आप वाराणसी की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक के महीनों में जाएं। इन महीनों में वहां का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो।